हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू मरीन टूटा मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर्स। आज इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे ऑटोमेटिक कंबसन कंट्रोल सिस्टम इन बॉयलर। मेरी जो इनिशियल्स लेक्चर्स थी, मैंने आपको बॉयलर्स की लेक्चर दी थी और बॉयलर्स की लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कंबसन सिस्टम्स इन बॉयलर, कंबसन ऑफ फ्यूल इन बॉयलर इन बर्नर। तो आपको वहां पर मैंने बताया था एयर फ्यूल मिक्स हो रहे हैं, मीन्स फायर हो रही है, स्टीम उससे हमारी प्रोड्यूस हो रही है, प्राइमरी फ्लेम जनरेट हो रही है, सेकेंडरी फ्लेम जनरेट हो रही है, कॉम्बिनेशन हमारी होती है, सस्पेंडेड फ्लेम कैसे हमारी प्राइमरी फ्लेम जनरेट हो रही है, फिर आफ्टर दैट कुछ प्राइमरी फ्लेम जो हो रही है एनर्जी गेन कर रही है, उसके बाद हमारी सेकेंडरी फ्लेम जनरेट हो रही है। इन सारी चीजों पे मैंने बॉयलर पे डिस्कस किया था, उसकी मेरी सेपरेट लेक्चर्स है और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लेक्चर्स है। आप आई बटन पर जा सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन पर भी जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो। फिर आप इस वीडियो पर आओ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारी कंबसन कंट्रोल होती है बॉयलर में वो हमारी कैसे होती है, अप्रोप्रिएट एयर फ्यूल मिक्सर्स कैसे होती है, स्टीम की हाई डिमांड और स्टीम के लो डिमांड होने से हमारी एयर फ्यूल मिक्सर्स में क्या मिस चेंजेज आती है, कैसे हमारी एप्रोप्रिएट एयर फ्यूल मिक्सर्स होती है, इस लेक्चर्स में आपको मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। और इस टॉपिक पे मुझे कमेंट किया गया था इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया। हालांकि अभी हमारी टॉपिक्स जो चल रही है मरीन ऑक्सिलरी मशीन चल रही है, बट ये मुझे कमेंट किया गया था इसलिए मैं आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑटोमेटिक कंबसन कंट्रोल सिस्टम इन बॉयलर। तो इसमें हमारी होती क्या है, मेन इसकी प्रिंसिपल क्या होती है, मेन इसकी प्रिंसिपल और मेन इसकी एम क्या होती है, हमारी एयर फ्यूल मिक्सर्स हमारी एप्रोप्रिएट होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमारी इनकम्प्लीट कंबसन से हमारी ये प्रिवेंट करती है, जिससे हमारी जो स्मोकी एग्जॉस्ट जो हमारी होती है बॉयलर से प्रोड्यूस नहीं होती, मीन्स हमारी एप्रोप्रिएट एयर फ्यूल मिक्सर्स हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन लोड। लोड मीन्स हियर रेफर्स टू स्टीम डिमांड। हमारी स्टीम डिमांड कभी इंक्रीज हो रही है, हमारी स्टीम डिमांड कभी डिक्रीज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एयर फ्यूल मिक्सचर मींस हम सप्लाई करते हैं और वो हमारे कंट्रोल सिस्टम्स से अचीव होती है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे ऑटोमेटिक कंबसन कंट्रोल सिस्टम इन बॉयलर। तो लेट्स डिस्कस आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटोमेटिक कंबसन कंट्रोल सिस्टम इन बॉयलर में हमारी चार सेंसर्स होती है। फर्स्ट सेंसर जो हमारी होती है स्टीम प्रेशर ट्रांसमीटर सेंसर, सेकेंड सेंसर जो हमारी होती है स्टीम फ्लो ट्रांसमीटर सेंसर, थर्ड सेंसर जो हमारी होती है एयर फ्लो सेंसर, एंड फोर्थ सेंसर जो हमारी होती है फ्यूल फ्लो सेंसर। ये हमारी चार सेंसर्स होती है। नाउ व्हाट अबाउट कंट्रोलर्स, यहां पर हमारी टू टाइप्स ऑफ कंट्रोलर होती है। फर्स्ट कंट्रोलर इज एयर फ्लो कंट्रोलर एंड सेकेंड कंट्रोलर इज फ्यूल फ्लो कंट्रोलर। मैं आपको अभी चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट में आपको क्रिस्टल क्लियर होगी कैसे ये हमारी सेंसर और कंट्रोलर्स काम करती है और कैसे अकॉर्डिंग टू स्टीम डिमांड हमारी एयर फ्यूल हमारी मिक्सचर्स प्रोवाइड की जाती है बॉयलर में। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सेंसर्स होती है। तो हमारी कौन कौन सी सेंसर होती है, हमारी स्टीम फ्लो सेंसर्स होती है और स्टीम प्रेशर सेंसर होती है। तो ये मैंने आपको बता रहा हूं, ये हमारी स्टीम, ये सपोज हमारी स्टीम फ्लो सेंसर है, ओके, ये हमारी स्टीम फ्लो सेंसर है अभी, ओके, और ये जो हमारी होगी, ये जो होगी हमारी स्टीम प्रेशर फ्लो, स्टीम प्रेशर ट्रांसमीटर सेंसर, ये हमारी होगी स्टीम प्रेशर ट्रांसमीटर सेंसर। तो हमारी दो सेंसर होगी, ये हमारी स्टीम फ्लो सेंसर और ये हमारी स्टीम प्रेशर ट्रांसमीटर सेंसर, ओके। नाउ अब आप देखोगे जो हमारी स्टीम प्रेशर ट्रांसमीटर सेंसर होती है, ये हमारी फीड होती है टू एलिमेंट कंट्रोलर। व्हाट इज टू एलिमेंट कंट्रोलर, टू एलिमेंट कंट्रोलर मींस पी प्लस आई कंट्रोलर, ओके। मैं इसकी आगे ऑटोमेशन जब पढ़ाऊंगा तो सेपरेट लेक्चर्स बनाऊंगा, पी प्लस आई कंट्रोलर, पी कंट्रोलर, पी आई डी कंट्रोलर, ये सारी चीजें होती क्या है, मैं इसकी सेपरेट लेक्चर्स बनाऊंगा। तो अभी आप जाने यहां पर पी आई कंट्रोलर होती है, ओके, और यहां पर डिजायर्ड वैल्यू सेट की जाती है, ये जो होती है हमारी डिजायर्ड वैल्यू सेट की जाती है और ये हमारी पी प्लस पी आई कंट्रोलर होती है। अब यहाँ पी प्लस पी आई कंट्रोलर जो होती है उसके बाद हमारी क्या होती है, इसके बाद ये हमारी फीड होती है हमारी कंप्यूटिंग रिले और हम बोल सकते हैं समिंग रिले में, और हमारी स्टीम फ्लो सेंसर होती है वो हमारी डायरेक्ट फीड हो रही है समिंग रिले में, ये हमारी समिंग रिले है, ओके, ये हमारी समिंग रिले है, इसे हम समिंग रिले बोलते हैं। नाउ व्हाट इज समिंग रिले, समिंग रिले
which may add or subtract the input signal. Means what is input signal here? P plus I controller is input signal. So summing relay, what they do? Summing relay which may add or subtract the input signal provide an output which represents the fuel input requirement of boiler. ये हमारी summing relay होती है. Okay. अब now summing relay जो होती है वो हमारी क्या होती है? Master signal generate करती है. अब ये जो हमारी होती है ये हमारी master signal generate करती है. ये हमारी master signal generate करती है. अब master signal जो होती है वो हमारी fuel requirement को हमारी show करती है. Means कितनी fuel requirement होनी चाहिए. Okay. As per steam demand उससे हमारी ये उसे हमें इंडिकेट करते हैं. यहाँ पर हमारी मास्टर सिग्नल से हमारी दो कंपोनेंट आती है. उसे हम एक कहते हैं लो सेलेक्टर और एक हमें कहते हैं हाई सेलेक्टर. तो हमारी ये हमारी होती है लो सेलेक्टर और ये हमारी होती है हाई सेलेक्टर. अब ये जो हमारी होती है लो सेलेक्टर, अब ये हमारी होती है हाई सेलेक्टर. नाउ अब जो हमारी लो सेलेक्टर होती है और हाई सेलेक्टर होती है इसकी पर्पजेस क्या है? अगर हमारी स्टीम डिमांड हाई होती है, ओके, अगर हमारी बॉयलर में स्टीम डिमांड मींस स्टीम कंजम्पशन हाई हो रही है, मींस लोड इंक्रीज होगी, स्टीम डिमांड हाई हो रही है, तो हमारी मास्टर सिग्नल जो होगी हाई सेलेक्टर को सेलेक्ट करेगी. अगर हमारी स्टीम डिमांड डिक्रीज हो रही है, मींस स्टीम कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है, लोड डिक्रीज हो रही है, तो हमारी मास्टर सिग्नल लो सेलेक्टर को सेलेक्ट. और मास्टर सिग्नल इटसेल्फ रिप्रेजेंट द फ्यूल रिक्वायरमेंट इन बॉयलर. ओके. नाउ अब जो हमारी लो सेलेक्टर होती है और लो सिग्नल सेलेक्टर जो होती है, अब ये हमारी क्या होती है? अगेन ये हमारी फ्यूल कंट्रोलर जाती है, फ्यूल फ्लो कंट्रोलर. मैंने आपको इनिशियल में बताया था हमारी ऑटोमेटिक कंबसन कंट्रोल सिस्टम इन बॉयलर में 4 सेंसर होते हैं और 2 कंट्रोलर होते हैं. 4 सेंसर में आपको अभी तक 2 सेंसर के बारे में बता दिया हूं. एक हमारी होती है स्टीम फ्लो सेंसर और एक हमारी होती है स्टीम प्रेशर ट्रांसमीटर सेंसर. स्टीम फ्लो सेंसर हमारी क्या करती है? स्टीम फ्लो सेंसर हमारी इट इंडिकेट द फ्लो रेट ऑफ स्टीम इन बॉयलर. एंड स्टीम प्रेशर ट्रांसमीटर सेंसर क्या करती है? इट इंडिकेट द स्टीम प्रेशर इन द बॉयलर. ओके. नाउ अभी हमारी लो सेलेक्टर है. लो सेलेक्टर से हमारी क्या जा रही है? फ्यूल फ्लो कंट्रोलर. हमारी 2 कंट्रोलर होती है, फ्यूल फ्लो कंट्रोलर. ओके. नाउ हाई सेलेक्टर हमारी क्या होगी? हाई सेलेक्टर से हमारी क्या होगी? ये हमारी जाएगी एयर फ्लो कंट्रोलर. ये हमारी है एयर फ्लो कंट्रोलर. नाउ अब हमारी फ्यूल फ्लो कंट्रोलर हो गई, एयर फ्लो कंट्रोलर होगी. ओके. अभी हमारी फ्यूल फ्लो कंट्रोलर क्या होगी? प्रोवाइड होगी फ्यूल फ्लो. ओके. मींस फ्यूल वाल्व. अभी हमारी प्रोवाइड हो रही है फ्यूल वाल्व. ये मैं आपको बताऊंगा कैसे फ्यूल वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी, कैसे हमारी अमाउंट ऑफ फ्यूल वाल्व ओपनिंग इंक्रीज होगी, अमाउंट ऑफ फ्यूल वाल्व ओपनिंग डिक्रीज होगी. ये आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा जब ये चार्ट कंप्लीट करने के बाद. ओके. नाउ अब सेम जो हमारी एयर फ्लो कंट्रोलर है, अब एयर फ्लो कंट्रोलर से हमारी क्या होगी? डैम्पर पोजिशनर में फीड होगी. ये हमारी डैम्पर पोजिशनर होती है. ये जो है हमारी डैम्पर पोजिशनर. अब ये हमारी क्या करती है? ये हमारी जो डैम्पर की जो पोजिशन है उसे इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं. अगर हमारी डैम्पर की पोजिशन अगर हमारी इंक्रीज होगी, मींस ओपनिंग ऑफ डैम्पर हमारी इंक्रीज होगी, मींस हमारी एयर फ्लो हमारी इंक्रीज होगी. अगर हमारी ओपनिंग ऑफ डैम्पर अगर हमारी डिक्रीज होगी तो हमारी एयर फ्लो हमारी डिक्रीज होगी. तो हमारी डैम्पर पोजिशनर है. अभी हमारी डैम्पर पोजिशनर थी और ये हमारी ड्राफ्ट. ओके. ड्राफ्ट ही हमारी ड्राफ्ट. नाउ अब हमारी ओके एयर फ्यू. अब हमारी होगी फ्यूल फ्लो कंट्रोलर, एयर फ्लो कंट्रोलर, स्टीम फ्लो सेंसर एंड स्टीम प्रेशर ट्रांसमीटर सेंसर. अब हमारी दो और चीजें होती है जो सेंसर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था. 4 सेंसर होती है. एक हमारी फ्यूल फ्लो सेंसर होती है और एक हमारी एयर फ्लो सेंसर होती है. तो यहां पर हमारी होगी फ्यूल फ्लो सेंसर और यहां पर हमारी होगी एयर फ्लो सेंसर. ओके. ये हमारी होगी फ्यूल फ्लो सेंसर और ये हमारी होगी एयर फ्लो सेंसर. ना
अब हम कंडीशंस पर आते हैं। फर्स्ट कंडीशन, सपोज अगर हमारी स्टीम डिमांड इंक्रीज हो गई, स्टीम डिमांड इंक्रीज होने पर हमारी क्या होगी, सबसे पहले हमारी क्या स्टीम फ्लो सेंसर, स्टीम फ्लो सेंसर क्या क्या हमारी इंडिकेट करती है, जो भी हमारी स्टीम फ्लो हो रही है बॉयलर में वो हमारी इंडिकेट करेगी। स्टीम प्रेशर ट्रांसमीटर हमारी क्या है, हमारी जो भी स्टीम प्रेशर बॉयलर में है वो हमारी इंडिकेट करेगी। ओके, अब हमारी मास्टर सिग्नल्स क्या होती है, वो हमारी रिप्रेजेंट करती है फ्यूल रिक्वायरमेंट। सपोज अगर हमारी स्टीम डिमांड इंक्रीज होती है तो हमारी मास्टर सिग्नल किसे सेलेक्ट करेगी, हाई सेलेक्टर। स्टीम डिमांड हमारी इंक्रीज हुई है तो हमारी मास्टर सिग्नल हाई सेलेक्टर को सेलेक्ट करेगी। हाई सिलेक्टर अब एयर फ्लो कंट्रोलर को हमारी सिग्नल प्रोवाइड करेगी। एयर फ्लो कंट्रोलर हमारी सिग्नल यहाँ पर पी प्लस आई, अगेन हमारी टू एलिमेंट कंट्रोल सिस्टम होती है, एंड अगेन हमारी टू एलिमेंट कंट्रोल सिस्टम जो होती है डिजायर्ड वैल्यू को अचीव करने के लिए हमारी क्या करेगी, डैम्पर पोजिशनिंग ओपन करेगी, मीन्स हमारी डैम्पर की पोजिशन इंक्रीज होगी। सपोज हमारी इनिशियल में डैम्पर की पोजिशन ऐसे क्लोजिंग पोजिशन पे थी, और बोल सकते हैं डिक्रीजिंग पोजिशन पे थी, ओपनिंग इसकी डिक्रीज थी। अब हमारी क्या होगी, स्टीम डिमांड इंक्रीज हुई है, हाई सेलेक्टर सेलेक्ट हुई है, एयर फ्लो कंट्रोलर पी आई एलिमेंट हमारी कंट्रोलर सिस्टम यहाँ पर वो हमारी अलाउ कर रही है डैम्पर की पोजिशन को ओपन होगी। अब हमारी क्या होगी, डैम्पर जो हमारी इनिशियल स्टार्टिंग पे थी अब हमारी इसकी ओपनिंग ऐसे हो जाएगी, मीन्स हमारी ओपनिंग इंक्रीज हुई, ओपनिंग इंक्रीज होगी मीन्स एयर फ्लो इंक्रीज होगी। ओके, अब हमारी एयर फ्लो इंक्रीज होगी, अब एयर फ्लो इंक्रीज होगी तो हमारी एयर फ्लो सेंसर उसे सेंस करेगी और ये हमारी फीड करेगी हमारी एयर फ्लो कंट्रोलर को। ओके, अब सेकेंड जो हमारी ये फीड करेगी हमारी लो सिग्नल सेलेक्टर्स को। अब ये हमारी लो सिग्नल सेलेक्टर को क्यों फीड की, बिकॉज हमारे यहाँ एयर इंक्रीज हुई है और हमें मेंटेन एयर फ्यूल मिक्सचर हमें अप्रोप्रिएट और प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर हमें मेंटेन करनी है, तो इसलिए जो हमारी एयर फ्लो सेंसर होगी ये हमारी लो सेलेक्टर को सिलेक्ट करेगी, एंड हेंस लो सेलेक्टर हमारी फ्यूल फ्लो कंट्रोलर को सिलेक्ट करेगी, एंड अगेन हमारी यहाँ टू एलिमेंट कंट्रोलर होती है और बोल सकते हैं पी आई कंट्रोलर होती है, एंड अगेन हमारी फ्यूल वाल्व जो होगी, सपोज अभी हमारी कंडीशन फ्यूल वाल्व की हमारी ऐसे थी, ओके मींस हमारी ये मींस ओपनिंग लेस थी, अब हमारी क्या होगी, एयर हमारी इंक्रीज हुई है तो हमारी उस प्रोपोर्शन में हमारी फ्यूल भी इंक्रीज होगी, तब हमारी फ्यूल वाल्व जो होगी हमारी इंक्रीज होगी, ओपनिंग इसकी इंक्रीज होगी मींस अलाउ होगी, फ्यूल फ्लो अलाउ होगी। तो ऐसे हमारी फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, स्टीम डिमांड इंक्रीज, स्टीम डिमांड इंक्रीज। फिर से क्विक रिवीजन दूंगा, स्टीम डिमांड इंक्रीज होगी तो मास्टर सिग्नल हाई सेलेक्टर को सेलेक्ट करेगी, हाई सेलेक्टर हमारी एयर फ्लो कंट्रोलर को हमारी सेलेक्ट करेगी, एयर फ्लो कंट्रोलर हमारी डैम्पर पोजीशन पे जाएगी, डैम्पर पोजीशन हमारी एयर ड्राफ्ट जो डैम्पर है उसकी हमारी पोजीशन मींस डैम्पर जो हमारी है उसकी हमारी ओपनिंग जो होगी हमारी इंक्रीज होगी, ओपनिंग इंक्रीज होगी तो हमारी एयर फ्लो इंक्रीज होगी, एयर फ्लो इंक्रीज होगी तो हमारी एयर फ्लो सेंसर सेंस करेगी और हमारी एयर कंट्रोलर को फीड करेगी, और हमारी लो सेलेक्टर को फीड कर रही है। लो सेलेक्टर को क्यों फीड कर रही है, क्योंकि हमें एयर इंक्रीज हुई है, एयर इंक्रीज हुई है तो हमें फ्यूल भी इंक्रीज करनी है, तो हमारी फ्यूल फ्लो कंट्रोलर हमारी वो सेंस होगी और ये हमारी फ्यूल फ्लो हमारी इंक्रीज होगी। फर्स्ट केस। नाउ सेकेंड केस, हमारी स्टीम डिमांड डिक्रीज हो रही है, हमारी स्टीम डिमांड डिक्रीज हो रही है। ओके, हमारी स्टीम डिमांड डिक्रीज हो रही है तो हमारी मास्टर सिग्नल हमारी किसे सेलेक्ट करेगी, लो सेलेक्टर को सेलेक्ट करेगी। लो सेलेक्टर क्या होगी, हमारी फ्यूल फ्लो कंट्रोलर को फीड करेगी सिग्नल, फ्यूल फ्लो कंट्रोलर अगेन हमारी टू एलिमेंट कंट्रोलर होती है, पी प्लस आई कंट्रोलर को हमारी फीड करती है, एंड अगेन पी प्लस आई कंट्रोलर अपनी डिजायर्ड वैल्यू को अचीव करने के लिए हमारी क्या करेगी, हमारी जो फ्यूल वाल्व है, फ्यूल वाल्व है उसकी ओपनिंग डिक्रीज करेगी, इससे हमारी क्या होगी, हमारी फ्यूल सप्लाई कम होगी। ओके, तो हमारी ओपनिंग डिक्रीज करेगी मींस हमारी फ्यूल की सप्लाई कम होगी, फ्यूल की सप्लाई कम होगी तो हमारी एयर की भी सप्लाई कम होनी चाहिए, बिकॉज हमें एयर फ्यूल मिक्सचर अप्रोप्रिएट और प्रॉपर मिक्सचर्स में रखनी है ताकि इनकम्प्लीट कंबसन ना हो, इसलिए हम इसे ऑटोमेटिक कंबसन कंट्रोल सिस्टम इन बॉयलर कहते हैं। तो हमारी क्या होगी, फ्यूल फ्लो सेंसर जो होगी, ये हमारी फ्यूल फ्लो सेंसर है, हमारी फ्यूल फ्लो सेंसर क्या क्या सेंस करेगी कि हमारी सिस्टम में बॉयलर में हमारी फ्यूल जो फीड रेट है वो हमारी डिक्रीज हुई है, तब हमारी ये क्या करेगी, सबसे पहले तो ये हमारी फ्यूल फ्लो कंट्रोलर को फीड करेगी, एक्नोलेज करेगी। नाउ सेकेंड थिंग, ये हमारी अगेन हाई सेलेक्टर को फीड होगी,
अभी हमारी हाई सेलेक्टर को क्यों फीड हुई? क्योंकि हमारी एयर भी डिक्रीज करनी है। अब हाई सेलेक्टर हमारी एयर फ्लो कंट्रोलर को हमारे सिग्नल प्रोवाइड करेगी, ओके, एयर फ्लो कंट्रोलर हमारी डैम्पर पोजिशन को हमारी डिक्रीज करेगी। अब हमारी क्या है, हमारी जो होगी डिक्रीज होगी, मीन्स हमारी डैम्पर ओपनिंग डिक्रीज होगी, जिससे हमारी एयर फ्लो जो है और एयर फ्लो जो है हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एयर फ्लो हमारी डिक्रीज होगी। तो हमारी ऐसे अप्रोप्रिएट एयर फ्यूल मिक्सचर हम अचीव करते हैं। तो इससे हमारी बेनिफिट क्या होती है, ऑटोमेटिक कंबशन कंट्रोल सिस्टम इन बॉयलर से, फर्स्ट हमारी अप्रोप्रिएट एयर फ्यूल मिक्सचर हम अचीव कर रहे हैं, सेकेंड थिंग हमारी इनकम्प्लीट कंबशन से इसे प्रिवेंट करते हैं, ओके। तो ऐसे हमारी हमारी यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम्स यूज हो रही है, लाइक सेंसर है, ट्रांसमीटर है, पीआई कंट्रोलर है, मास्टर सिग्नल है, समिंग रिले, ये सब हमारी क्या है, कंट्रोल सिस्टम है, इसलिए हम कहते हैं ऑटोमेटिक कंबशन कंट्रोल सिस्टम इन बॉयलर। तो ये हमारी आज की टॉपिक थी एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है इस टॉपिक पे कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।